दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। दोस्तों हम लोग बातचीत करने वाले हैं आपका एसएससी जीडी की 1,30,000 की वैकेंसी को लेकर के। देखिए इसका एक ऑफिशियल गजट आ चुका है जो हम लोग बातचीत कर रहे थे। आपको मैंने पहले बता दिया था कि आपका 1,30,000 एसएससी जीडी में वैकेंसी आने वाली है। अब देखिए उसका प्रूफ कहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की ऑफिशियल साइट है, जो कि भारत सरकार का सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ जो होता है वो यहीं पर माना जाता है, जो सच्चाई होती है वो यहीं पर आती है। आप लोग इस साइट पर आकर के देख सकते हो कि यहाँ पर जो जो चीज़ यानी गवर्नमेंट के द्वारा जिन जिन चीज़ों पर मोहर लगाई जाती है वो चीज़ें दोस्तों यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पहला ही हमारा नोटिस है। यहाँ पर देखिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप यहाँ पर देख सकते हो कि CAPF हिंदी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दी। अब इसके अलावा आप देख सकते हो बहुत ही जल्द दोस्तों जो है आपका जो आपकी परीक्षा होगी दोस्तों, ये टोटल 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी। और आपको बताएं बहुत ही जल्द आप लोगों का 1,30,000, आप लोग मान सकते हो टोटल 1,30,000 जो भर्ती है दोस्तों आप लोगों की, वो बहुत ही जल्द आप लोगों को पता है आने। यानी इसका मतलब है, इसका अगर हम लोग एथेंटिसिटी देखें कि इसको क्यों दिया गया, कि आपका अभी बहुत ही जल्द दोस्तों आपका 1,30,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, किसमें? CAPF यानी SSC GD की। उसी को देखते हुए दोस्तों, उसी के वैकेंसी को देखते हुए आपको क्या किया गया है, इसको जो है यानी ये जो आपकी परीक्षा है इसको 13 भाषाओं में, जैसे देखिए अभी तक क्या होता था आपका हिंदी और इंग्लिश में होता, यानी दो भाषाओं में होता था, लेकिन अब आपको ये पेपर जो है आपका जिस तरीके से आपका रेलवे ग्रुप डी का होता है और रेलवे का और एग्जाम होते हैं उस तरीके से दोस्तों क्या होगा, ये आपके 13 भाषाओं में, यानी आपका जितनी भाषाएं आपके 13 क्षेत्रीय भाषाओं में इसका आयोजन किया जाएगा। आप लोग यहां पर देख सकते हो कौन कौन से, असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी। यानी इसका मतलब क्या है कि आपकी जो भी SSC GD की परीक्षा होगी अब वो 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी, जो कि जिन बच्चों का जो है मान लीजिए नक्सलाइड एरिया से आते थे आप लोग, पिछड़े एरिया से आते थे, SC ST कैटेगरी से आते थे और जो भी अनुसूचित जाति वगैरह से आते थे, उनको बेचारों को क्या होता था, बहुत दिक्कत होती थी अपनी लैंग्वेज में पेपर ना होने को। जैसे देखिए अब उन स्टूडेंट को, उन सारे छात्रों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे जो है SSC GD में, जिनका भी SSC GD में जाने का सपना, आर्मी में वर्दी पहनने का सपना है, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग अब अच्छे से तैयारी करिए। देखिए आपका अभी जो 51,000 भर्ती चल रही है जिसमें जिनका हो गया वो अच्छे से इसमें अपना सिलेक्शन ले, और जिनका नहीं हुआ वो बहुत ही जल्द दोस्तों जुलाई अगस्त में आपका 1,30,000 पदों पर जो है भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। आप उसकी तैयारी को खूब अच्छे से करिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आपका एक ऑफिशियल गजट आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल चुका है। इसके अलावा दोस्तों मैं बातचीत करूँगा आप लोगों का, देखिए जिन भी दोस्तों का 18 से 23 एज है वो सारे लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा SC ST OBC में बात करें, उनको 5 से 8 साल की छूट होती है, वो अपना अलग अपने हिसाब से काउंट करेंगे। लेकिन जो भी छात्र हमारे जो है जो अभी जस्ट 12th पास करके आए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। वो सारे लोग खूब अच्छे से अपनी तैयारी करें, और आप लोग जा करके खुद इस न्यूज़ की पुष्टि जा करके खुद कर सकते हो। PIB की साइट पर आप लोग खुद जा करके सारी चीज़ों को देख लीजिए, आप लोगों को खुद भरोसा हो जाएगा कि डिफेंस क्लासेस दोस्तों जो आपको जानकारियाँ देता है एकदम ऑथेंटिक होती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।